अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आप स्टार 76 रिस्ट के साथ NSS 95 डिग्री को सेट करेंगे, ये वाली LLB KU बैंड को लगाएंगे, DD फ्री डिश को सेट करेंगे। तो अगर आप दोस्त आप फ्रेंड्स 76 रिस्ट के साथ 95 डिग्री KU बैंड को लगाना चाहते हैं तो आपने किस तरह से लगाना है और चैनल लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। बोल न्यूज़ इस वक्त मेरे पास चल रहा है, सामने आप देख रहे हैं। तो डिश के साथ हम इस LLB को लगाएंगे। पहले मैं आप दोस्तों को यहाँ पे चैनल लिस्ट दिखा लूँ। एक अपडेट है कि ARY का पैकेज तो यहाँ पे रिसीव हो चुका है, लेकिन उसमें एक चैनल है A Sports, वो स्क्रैम्बल हो चुका है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पैकेज में नहीं है, एशिया सेटेलाइट पर भी ऑफ हो चुका है, हो सकता है कल को ये पाक सेट पर भी ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी, सर्विस HD स्क्रैम्बल हो चुका है। तो मेरे पास 4 फीट पे आप स्टार 36 लगी है, ये इसकी चैनल लिस्ट है। तो 4 फीट पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। अभी हमने ये KU बैंड LLB को 95 इस्ट को सेट करना है। तो पहले आप दोस्त ये चैनल लिस्ट देख लें, कौन से चैनल हैं अगर आप दोस्त लगाना चाहते हैं तो ये चैनल आपको मिलेंगे। किड जोन पाकिस्तान है, अच्छा चैनल है जी, कार्टून का एक प्लानट है, वो भी अच्छा चैनल है। और ये उर्दू ज़ुबान में फ़िल्म वाला, इंग्लिश फ़िल्म यहाँ पे लगती हैं, ये भी पाकिस्तानी चैनल है, अच्छा चैनल है। तो ये चैनल लिस्ट है जी, आप दोस्तों ने देख लिया है। अब हम जी लगाएंगे 95 डिग्री को इसी डिश के साथ। प्ले TV है, बोल इंटरटेनमेंट है, ये तकरीबन 47 चैनल रिसीव होते हैं जी 4 फीट पर पंजाब में। चैनल 5 है। तो अब हमने क्या करना है जी, अब हमने पहले यहाँ पे TP लगानी है, फ्रीक्वेंसी लगानी है। तो हमने अल्टीना सेटिंग पे आना है, यहाँ पे सैटेलाइट हमने सेलेक्ट करनी है जिसकी हमने सेटिंग करनी है। तो सेटिंग आज का हमारा टॉपिक मेन जो है वो है 95 डिग्री का NS6, ये 9 नंबर पे खड़ी है जी, ठीक है। LLB पावर ऑन और फ्रीक्वेंसी इसकी 97.6 आपने रखनी है। नीचे TP लिस्ट है, यहाँ पर आ जाते हैं, रिमोट से सर्वर बटन दबाएंगे तो आप TP लिस्ट पे आ जाएंगी। वो फ्रीक्वेंसी आपने लाजमी सेट करनी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं मौसूल होंगे। डिश की तरफ चलते हैं, ये डिश देख लें, ये 4 फीट की डिश है। और LLB की पोजीशन भी देख लें, सी बैंड की, तो सी बैंड लगानी है तो आपने ये पोजीशन रखनी है। अब हम यहाँ से तार निकालते हैं, KU पे लगाते हैं, उसकी भी ड्यूरेशन आपको दिखाते हैं किस तरह से आप दोस्तों ने लगानी है, कौन सी ड्यूरेशन आपने रखनी है। लोकल LLB है, KU बैंड है, तो इसमें फ्री वाले चैनल हैं वो हम सर्च करेंगे। पहले भी आपको FTA चैनल की अपडेट दी है, अब इस पर जो चैनल रिसीव होंगे उसकी चैनल लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। तो ये पोजीशन आप दोस्तों ने रखनी है, देख लें, पॉइंट है जी 2, सुराख नंबर है 2, ये देखें। तो इस तरह से आप दोस्तों ने इसको लगाना है, सिग्नल आपने सेट करना है, इस तरफ आपने लगाना है। यहाँ पे मैंने 2 नंबर सुराख पे लगा लिया है, एक छोड़ देना, दूसरे पे या तीसरे पे आपने लगा लेनी है और इस तरह से पोजीशन रखनी है। इस तरह से आपने इस TP फ्रीक्वेंसी के सिग्नल लाने हैं, देख लें, ठीक है जी। अब मैं सेट कर रहा हूँ, एक तरफ मेरे हाथ में मोबाइल है और दूसरी तरफ मैं इसको सेट कर रहा हूँ, तो सिग्नल आ गए हैं। तो इतना सा काम है, सिग्नल आप दोस्तों ने देख लिए हैं, इस तरह से आपने पोजीशन रखनी है। और नट देख लें, सुराख नंबर 2 में लगा हुआ है, अब मैंने इसको सेट कर लिया है। सिग्नल भी आप दोस्तों को दिखा दिए हैं, मज़ीद अब हमने सर्चिंग करनी है इसकी। लोकेशन देख लिया आपने, पथरी पाकिस्तान में यही अवेलेबल है, सुराख नंबर आपने 2 लगाना है। तो यहाँ पे हम TP के सिग्नल देखते हैं जी, 71 सिग्नल है। अब हमने करना है जी यहाँ पर इसको स्कैन, यहाँ पे इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद हम मुकम्मल स्कैन भी करेंगे। इस TP को स्कैन लिख करना है तो नीचे लिखा है जी सर्च नीले बटन से, ये ऑप्शन आएगा, एफ्टी ओनली यस रखना, आपने नो नहीं रखना, वरना आपके पास स्क्रैम्बल चैनल भी रिसीव होंगे, वो आपके पास नहीं चलेंगे। सर्च पे आके ओके कर देना और देखें इस TP में जितने भी चैनल हैं वो हमारे पास रिसीव होंगे, ये FTA चैनल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन इस TP में 20 चैनल थे, वो हमें रिसीव हो गए हैं। अब हमने वही सेटेलाइट है जी, नीचे सेटेलाइट की जगह पर हमने रखना है ब्लाइंड, रिमोट से कर देना ओके, FTA ओनली यस, TV रेडियो पे TV और सर्च पे ओके। तो इस तरह से आप दोस्तों के पास इस सैटेलाइट पर जितने भी चैनल होंगे मुकम्मल चैनल आएंगे। पहले हमने एक TV को ट्यून किया था, अब हम मुकम्मल
सेटेलाइट को ट्यून कर रहे हैं, जितने भी सेटेलाइट में चैनल हैं जिनके सिग्नल हैं वो हमारे पास रिसीव होंगे। तो यहाँ पे डबल चैनल काफ़ी आते हैं, बहुत ज़्यादा चैनल आते हैं, आधे से भी ज़्यादा डबल चैनल रिसीव होते हैं। अगर आप FTAB सर्च करते हैं तो आपके पास चैनल डबल रिसीव होते हैं। तो अगर आपके पास डबल चैनल ट्यून हो जाएं, बहुत ज़्यादा बार बार आएँ, तो आपने चैनल को डिलीट रिमूव करना होता है। वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दूंगा जहाँ जिसको देख के आपने चैनल को डिलीट कर लेना है या मूव कर लेना है, तो वो एंड स्क्रीन में मैं वीडियो लगा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी चैनल रिसीव हो चुके हैं। ये है जी 95 डिग्री की सेटिंग। तो इस तरह से आप दोस्त आप 76 के साथ 95 डिग्री को लगा सकते हैं।